आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव सिहोरा बाजे पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 27 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 8 किलोमीटर है। 3200 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान जयपाल सिंह के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान जयपाल सिंह और सचिव मोहन सिंह रावत के द्वारा स्कूलों में सौंदर्यकरण और गांव की सड़कों का भरपूर विकास देखने को मिल सकता है। 4 वर्षों में इन दोनों ने मिलकर गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के सिहोरा बाजे ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है। आगे की पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे, तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए हैं? हमने रास्ते करवाए हैं और आवास बनवाए हैं। कितने आवास? नाली घड़ी खूब कराए सबसे और स्कूल में बहुत अच्छा वाला काम करवाया। आवास करीबन 4400 पर बनवाए। ODF हो गई ग्राम तक? जी हाँ। यहाँ जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इसका लाभ सभी को मिला है? हाँ, ज्यादातर सभी को मिला, कम से कम 90%। किसानों को 50% है, किसानों के खातों में गड़बड़ चल रही है जी, उससे करीबन 50% किसानों को जी। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह ये सब बने हुए हैं? हाँ, राशन कार्ड में अब तो कई से कई महीने से बंद पड़ा मामला, राशन कार्ड बनी कहाँ पा रहे हैं, काफी राशन कार्ड रह गया है जी। यहाँ पर जैसे सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? पंचायत भवन बना हुआ है स्कूल के बराबर से ही, बारात घर नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत अच्छे बने, दो आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए। खेल का मैदान बनिए साहब, बाकी उसी में ही है पंचायत घर में। अस्पताल कुछ टंकी बनी हुई है, अस्पताल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर मुंडा पांडे में। यहाँ पर अब जैसे अपने गांव में आप और ज्यादा विकास के लिए, और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए ग्राम पंचायत को क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? अब हमें यह है कि पैसा जरा अच्छा आ जाएगा तो रास्ते अच्छे बन जाएंगे। रास्ते अभी भी कच्चे हैं? बहुत कच्चे रहेगा। कितने मीटर सीसी से पूरा पक्का होगा? अरे कम से कम कई हजार, मतलब वो क्या 2000 मीटर होगा, 2000 मीटर से ऊपर पड़े। कितने परिवार यहाँ अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? कम से कम है 1600 परिवार। और कोई समस्या आपके गांव में ऐसी? जैसे मेरे ग्राम पंचायत में आज तक शमशान घाट का, हाँ शमशान घाट की तो बहुत विशेष जरूरत है साहब, बहुत मांग कर रहे हैं हमें, तो अभी शमशान घाट ग्राम समाज की भूमि है यहाँ काफी है, तीन जो है मतलब क्या कहते हैं कब्रिस्तान है शमशान, जिसमें शमशान घाट बनने वाला, बनने के लिए शमशान घाट बनने के लिए मतलब निर्माण कार्य अभी तक यहाँ कोई भी नहीं, शमशान घाट के संबंध में कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपने कभी कोई मांग प्रस्ताव रखी है? खूब रखी है, एप्लीकेशन भी लगाई है, MP साहब को भी दी थी और के मंत्रियों को भी दी है, अभी तक इसके बारे में। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ इन 4 वर्षों में करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, ODF भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, आवाज भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी काम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर का यहाँ अभी तक निर्माण नहीं है। और सबसे प्रमुख समस्या जो यहाँ सामने आई है, प्रधान का मानना है कि शमशान घाट को लेकर वो यहाँ सबसे प्रमुख मांग रखते हैं, जिसे कई बार प्रस्ताव भी दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी निर्माण कार्य की स्वीकृति अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। इसके अलावा यहाँ लगभग 2000 मीटर रास्ता अभी कच्चा है, जिसके लिए सीसी की मांग यहाँ पर प्रधान ने रखी है। लगभग 100 परिवार अभी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।